जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, गणपत मूवी फाइनली सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है और टाइगर श्रॉफ के फैंस इस मूवी का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसके ट्रेलर में जिस तरीके से एक डिस्टोपियन सा वर्ल्ड दिखाया गया था, एपोकलिप्टिक सा वर्ल्ड दिखाया गया था, वो एक फ्रेशनेस कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करता है, जिस वजह से लोग काफी एक्साइटेड थे इस मूवी को देखने के लिए। और अब मूवी सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है। इसकी टोटल लेंथ ऑलमोस्ट 2 घंटे 30 मिनट के आसपास है। लीड में टाइगर श्रॉफ के अगेंस्ट आपको कृति सैनन भी देखने को मिलेंगी और अमिताभ बच्चन भी आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों, कहानी है गुड्डू की। गुड्डू जो कि ऑफकोर्स टाइगर श्रॉफ, जो कि अपनी कम्युनिटी जो कि काफी गरीब है उसे आजादी दिलाना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो उसे दबा के रखना चाहते हैं, और कैसे अब गुड्डू अचीव कर पाएगा इसको, ये जानने के लिए आपको गणपत मूवी को देखना पड़ेगा। और इसका दोस्तों गणपत पार्ट 1 अभी रिलीज हुआ है, यानी इसके क्रिएटर्स चाहते थे इसका पार्ट 2 भी रिलीज किया जाए, तो आपको कहानी के एंडिंग में कुछ हिंट्स मिल जाएंगे कि शायद गणपत वापस आ सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या आखिर इस मूवी में अच्छा है और क्या ये वाकई मूवी जो अपना कॉन्सेप्ट दिखाया ट्रेलर में उसको अचीव करती है या कहीं पर फेल हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा टाइगर श्रॉफ की। एक्शन सीक्वेंसेस टाइगर श्रॉफ के अच्छे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को मूव्स एंड कट्स दिए हैं जिसके लिए वो नोन है, वो चीज अच्छी है इस मूवी की। और यहां पर कृति सैनन का भी जो कैरेक्टर है उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। 2-3 एक्शन सीन्स जो है कृति सैनन के भी हैं जो काफी डिसेंट है और वो काफी अच्छी लग रही है। एंड अमिताभ बच्चन ऑफकोर्स इस मूवी में एक पिलर की तरह उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गुड्डू को गाइड करते हैं कि किस तरीके से उसे अब आगे बढ़ना है। अब दोस्तों मेरे पास इस मूवी में इससे ज्यादा अच्छा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इस मूवी की हर चीज एकदम बकवास है, एकदम टट्टी है, और कुछ भी इस पूरी मूवी में ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको इसे सिनेमा में देखने जाना चाहिए। गाने एक नंबर के फुद्दू हैं, किसी भी काम के इसके कोई सॉन्ग्स या म्यूजिक नहीं है जो कि आपको पसंद आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूं तो जो रियल एक्शन सीक्वेंसेस टाइगर श्रॉफ पे शूट हुए वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर भी VFX या CGI का इस्तेमाल हुआ है वो एकदम फुद्दू पार्ट है मूवी का, जिसमें आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसे देख के आपके मुंह से कोई वाव फैक्टर निकले। इनफैक्ट चीप क्वालिटी के VFX को यूज किया गया है। मुझे लगता है कि आजकल की वेब सीरीज में भी इससे बेटर VFX होते हैं जिस तरीके के VFX इस मूवी में शो किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी इस मूवी में देखने मिलने वाली है, तो स्टोरी तो महाफुद्दू है, क्योंकि आप इससे पहले भी काफी सारी मूवीज देख चुके हैं जिसमें एक गरीब कम्युनिटी का बंदा किस तरीके से सर उठाता है एक ऐसे एनिमी के अगेंस्ट जो उसको दबा के रखना चाहती है। उस चीज को दोस्तों इसमें वही स्टोरी आपको दोबारा से दिखाई गई है। हाँ, लेकिन जो इसमें दूसरा साइड है जो कि स्ट्रॉन्गर साइड है उसको थोड़ा एपोकैलिप्टिक डिस्टोपियन टाइप का फील दिया गया है, जो और भी ज्यादा फ्रेशनेस लाने के बजाय इस मूवी को और ज्यादा महाबकवास और घटिया बनाता है। इस मूवी में दोस्तों 2.5 घंटे तक आप झेल भी नहीं पाओगे सिनेमाज में। मैं जब पॉपकॉर्न लेने गया तो मेरे 20 मिनट वहां यूज हो गए, तो अच्छा हो मेरा थोड़ा सा टाइम बच गया, क्योंकि इतनी ज्यादा घटिया मूवी मैंने बहुत टाइम किसी सिनेमाज में देखी है। तो अगर तो आप टाइगर श्रॉफ के फैन है तो उनके एक्शन सीक्वेंसेस के लिए आप सिनेमाज में इसे जाके देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इस मूवी में और कुछ भी नहीं है। आप OTT पे इसके रिलीज का वेट करें, और जब आप OTT पे देखेंगे इसे तो उसके बाद मेरा रिव्यू अगर दोबारा सुनेंगे तो आप मेरी बात को एक यही मानेंगे कि इस मूवी को अच्छा किया आपने कि OTT पे देख लिया। अब OTT इसका कहाँ होगा? नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगा, क्योंकि इसका जो OTT पार्टनर है वो नेटफ्लिक्स है। गणपत के OTT राइट्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, तो अगर ये 20 अक्टूबर को अभी सिनेमाज में रिलीज हुई है तो आपको ये 1st या 2nd week of December में देन नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो अपने पैसे बचाओ, अपना टाइम बचाओ, OTT पे देखो इस मूवी को, सिनेमा में देखने की गलती मत करना, क्योंकि ये गलती जो है ना आपको बहुत भारी पड़ेगी और आपका विश्वास उठ जाएगा दोस्तों इंडियन मूवी से। तो ये था हमारा एक रिव्यू। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।